गाइस अभी मैं, आप देख सकते हो देवदार के पेड़, परेड ग्राउंड किश्तवाड़। गाइस यहाँ का ये चक्कर है कि यहाँ पे नेचर जो है वो एबंडेंस में है। फुल ऑन जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए ये बेस्ट है। ये ट्रैक बनाया हुआ है चलने के लिए और लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह भी खेल रहे हैं। गाइज मैं अभी आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, करीब करीब 200 से 250 साल पुराना पेड़ दिखाऊंगा मैं आपको। वो पेड़ है चिनार का पेड़। चिनार का पेड़ तो आपको पता ही होगा, काफ़ी मशहूर है J&K में। तो 200 से 250 साल पुराना पेड़ जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और भी कई सारे पेड़ हैं जो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन 200 से 250 साल पुराना पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो ये देवदार का पत्ता है, ऊपर से गिरा हुआ है। गाइज ये जो पेड़ आपको सामने दिख रहा होगा ये वाला, ये करीब करीब 250 से 300 साल पुराना चिनार का पेड़ है। अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कितना बड़ा है, बहुत ह्यूज है। इसकी शेड में बैठना अपने आप में एक जन्नत है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है और ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है। गाइज आप देख सकते हो इसके तने कितने पुराना, कितना पुराना तना है इसका। और ये कितना ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करता है, आप देख सकते हो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया कवर करता है। ज़बरदस्त है, बहुत मोटा तना है इसका। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं, लेकिन ये पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। यहाँ से आपको ये पूरा दिख रहा होगा, 200 से 300 साल पुराना पेड़ है ये। जब धूप होती है तो गर्मियों के दिनों में, जैसे आज जून का महीना चल रहा है, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक जो धूप होती है, अगर कोई इसकी छाँव में बैठ जाए तो टेम्परेचर जो है वो 4-5 डिग्री कम हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। Thank you.
Thank you.